आज हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पे मिक्स वेज एंड फ्रूट सूप, जिसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डलेंगे। एक मैंने यहाँ पे एप्पल लिया है, 6 टमाटो लिए हैं, 3 कैरेट्स ली हैं, एक जिंजर का पीस लिया है और 6-7 कली मैंने गार्लिक की ली है। और जो मसाले डलेंगे इसके अंदर, मैंने ब्लैक सॉल्ट लिया है यहाँ पे 1 स्पून है, ये टेबल स्पून है, और ये 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर है, और ये वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को काट लिए है, गार्लिक को छील लिए है, और यहाँ पे मैंने जिंजर को छोटे छोटे पीसेस में काट लिया। अब इनको हम कुकर में बॉईल करेंगे पानी डालकर। अब हमने सारी चीज़ें कुकर में डाल दी हैं। कुकर में इतना पानी डाला है कि डिप हो जाए अच्छी तरह से। अब हम इंडक्शन को जला लेंगे और कुकर का ढक्कन देके इसको बंद कर देंगे। 3-4 विसल आने तक इसको विसल देंगे। फ्लेम को एटलीस्ट इसमें 3-4 सीटी आ जानी चाहिए। 4 विसल बजाने के बाद ये अच्छी तरह से बॉयल हो चुका है सारा मटेरियल हमारा। और हमने उसके बाद ठंडा कर लिया। ठंडा करने के बाद इसको मिक्सी में पीसेंगे, गरम गरम मिक्सी में ना पीसें वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। इसको अच्छी तरह से मिक्सी में पीस लेंगे, बिल्कुल अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाए तब तक मिक्सी को पीस लेंगे। ये हमारा अब चेक कर लेंगे हम, पूरा अच्छी तरह से पिस गया है, ये देखिए पूरा अच्छी तरह से पिस चुका है। अब इसे छान लेंगे हम, छलनी से छान लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके छानेंगे अच्छी तरह से। आपको जितना थिक रखना है, या जिस वो पानी उबालते समय हमारा थोड़ा बच गया था वो पानी भी इसमें डाल देंगे। और अच्छी तरह जितना थिक चाहिए आपको थिक रखिए, ज़्यादा लूज चाहिए तो लूज, पर ज़्यादा भी लूज नहीं रखना, क्योंकि ये मिक्स वेजिटेबल और फ्रूट्स का है, इसलिए ज़्यादा लूज नहीं करेंगे इसको सूप को हम। इसको छानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो टमाटर में बीज होते हैं और जो स्किन होती है वो भी इसमें रह जाएगी, ऊपर सूप में नहीं आएगी और हमें स्मूथ सा सूप मिल जाएगा एक अच्छी तरह से। अब हमने इसको छान लिया है, सूप को अच्छी तरह से बिल्कुल स्मूथ हो गया। देखिए बॉईल करने के लिए मैंने उसी कुकर को वापस से साफ करके इंडक्शन पे रख दिया है, और इंडक्शन स्टार्ट कर देंगे और कुकर को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। गर्म होने के बाद चाहे तो आप बटर भी डाल सकते हैं इसमें, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डालना हमें, और चाहे तो घी भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर घी डाल रही हूँ, मैं बिल्कुल छोटे 2 स्पून इसमें घी डाल रही हूँ। अब घी को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे हम। हमारा घी गर्म हो चुका है, ये सूप जो हमने छान रखा था ये हम इसमें डाल देंगे। अब इसको हम अच्छी तरह से बॉईल आने तक गर्म करेंगे। और अब हम इसमें ये जो हमने मसाले लिए थे, रॉक सॉल्ट, ये सब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालने हैं आपको, ब्लैक सॉल्ट, ब्लैक पेपर, ये तीनों ही इसमें डाल देंगे। और इसको अच्छी तरह से घुमाएंगे। आप चाहे तो मसालों को टेस्ट भी कर सकते हैं। मैंने इसमें ना कोई फूड कलर डाला है, ना कुछ एक्स्ट्रा चीज़ जो स्वीट में होता है, शुगर वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया, क्योंकि इसमें इतने फ्रूट्स और वगैरह वेजिटेबल्स हैं कि उसका नेचुरल टेस्ट ही हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है, और एक हेल्दी भी रहता है वो। ये आप बच्चों को, बूढ़ों को, सबको दे सकते हैं पीने के लिए, उनके लिए भी बहुत हेल्दी रहेगा। अब इसको अच्छी तरह से बॉयल आने देंगे।
फ्लेम को मैं थोड़ा बढ़ा दूंगी ताकि अच्छी तरह से बॉईल आ जाए। ये सूप देखिए उबलने लग गया अच्छी तरह से। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। सूप गरम गरम पिया जाए तो ज़्यादा हेल्दी रहता है, अच्छा भी लगता है, टेस्टी भी। बिल्कुल रेडी है, इसको हम गार्निश कर देंगे। मैं यहाँ पर मिंट लीव्स डालकर गार्निश कर रही हूँ। अब ये बिल्कुल तैयार है पीने के लिए। गर्मा गर्म इसको सर्व करें और पिएं। हेल्दी एंड टेस्टी सूप रेडी है।